हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है एन मैथ आप फोकस करेंगे एन मैथ में देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वारिटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मैथड तो यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन गिवन है उनके फैक्टराइजेशन मैथड से सोल्यूशन फाइंड आउट करने उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू इक्वेशन गिवन है अब जो इक्वेशन होती है हमने चैप्टर नंबर सेकंड में भी किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन ये जो होता है एक्स का कोफिशेंट ये होता है सम ऑफ रूट्स और जो ये कॉन्स्टेंट होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो जो सम है वो क्या होना चाहिए हमारा माइनस थ्री और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट होनी चाहिए हमारी माइनस टेन ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने की प्रोडक्ट करें तो माइनस टेन आए और सम करें तो क्या आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस थ्री आए तो टेन के फैक्टर्स क्या पॉसिबल हैं फाइव टू जा टेन तो क्या लिख देंगे फाइव मल्टीप्लाई टू ये फैक्टर्स हो गए अब सम जो है वो नेगेटिव आना चाहिए नेगेटिव कब आएगा जब बड़ी वैल्यू जो लार्जर वैल्यू फैक्टर में नेगेटिव होगी तो इसको क्या ले लेंगे नेगेटिव इसको ले लेंगे पॉजिटिव ये फैक्टर्स हो गए इसके तो क्या आ गया एक्स स्क्र माइनस का फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से कॉमन क्या आ गया फर्स्ट टू टर्म से एक्स कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइव यहाँ से प्लस टू कॉमन अंदर क्या हो गया एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ पे एक्स माइनस फाइव है एक्स माइनस फाइव है कॉमन है तो एक्स माइनस फाइव और दूसरा फैक्टर क्या आ गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो अब दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया फ़ाइव और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन x इक्वल टू फाइव एक्स इक्वल टू माइनस टू आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा फैक्टर्स आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है किसको माइनस लें किसको प्लस लें तो वो मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव चूज करना है सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है अगर एक्स स्क्र काफिशियंट वन नहीं है तो इस टू को क्या करते हैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक बेसिक इक्वेशन बना लेते हैं साइड में एक्स स्क्र प्लस एक्स टू की मल्टीप्लाई किससे की सिक्स से तो माइनस का ट्वेल्व ये आपको स्टेटमेंट रफ साइड बना के देखनी है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नहीं बनानी है तो इसको क्या करना है ट्वेल्व को फैक्टराइज़ करेंगे बेटा सम जो आए वो क्या है प्लस का वन और प्रोडक्ट जो है वो क्या है माइनस का ट्वेल्व तो ट्वेल्व के फैक्टर क्या होंगे फोर थ्री जा चार ते बारह अब एड सब्ट्रैक्ट करने के बाद वन आ जाएगा फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब जो सम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए तो बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे पॉजिटिव ले लेंगे ले ले और स्मॉल वैल्यू को क्या ले लेंगे ले नेगेटिव ले? ये फैक्टर्स हो गए इसके तो क्या करेंगे टू एक्स स्क् प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है टू एक्स अंदर एक्स प्लस टू यहां पे कॉमन क्या ले लिया माइनस थ्री तो एक्स माइनस कॉमन आ चुका तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस सिक्स के फैक्टर क्या होंगे थ्री टू जा तो थ्री कॉमन आ चुका तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू दोनों में है तो एक तो फैक्टर हो गया एक्स प्लस टू दूसरा फैक्टर हो गया टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अब इन फैक्टर्स को क्या करना है जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टू और टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री बाई टू तो जो दो फैक्टर्स आए हैं वो क्या है एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक एक्स इक्वल टू थ्री बाय टू दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अदरवाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट जो है थर्ड पार्ट में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो क्या है रूट टू एक्स स्क् प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो अब इसको क्या करना है हमें रूट टू को मल्टीप्लाई करना है कॉन्स्टेंट वाली ट्रम से इसको मैं साइड में यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स माइनस का फाइव रूट टू है रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू और फाइव टू जा टेन तो माइनस का टेन ये आगे वैल्यू अब क्या करना है यहाँ पे सम जो आए वो क्या है सेवन और प्रोडक्ट क्या है माइनस का टेन आए ये इक्वेशन ये मल्टीप्लाई आपको क्लियर हो गई होगी नहीं हुई है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे फाइव रूट टू था इसकी रूट टू से मल्टीप्लाई की रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी इसकी मतलब भी पावर क्या है हाफ़ इसकी भी हाफ़ तो टू इंटू फाइव टेन होगा तो सम इज इक्वल टू होना चाहिए सेवन और प्रोडक्ट होनी चाहिए माइनस का टेन तो ऐसे फैक्टर करने हैं तो प्रोडक्ट माइनस टेन होनी चाहिए तो क्या फैक्टर बनेंगे फाइव टू जा टेन अब हमें क्या करना है प्लस का सेवन होना चाहिए तो माइनस का फाइव और प्लस का टू अगर लेते हैं हम यहाँ पे